भाई सभी कंपनीज 5G लॉन्च कर रही है, बट जियो अपने 5G को ट्रू 5G क्यों बोल रहा है? उसके साथ साथ जियो सीक्रेटली प्लान कर रहा है भाई 4G की तरह ही वापस से। जियो और एयरटेल दोनों से स्पीड कौन सा है भाई, ये सब कौन बताएगा भाई? मैं यहाँ हूँ, यहाँ आजकल बहुत ज्यादा जी हो रहा है, मतलब 5G 4G 2G अभी सभी कंपनीज 5G लॉन्च कर रही है, और फाइनली BSNL ने 4G लॉन्च करने का अनाउंस कर दिया। मतलब ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा स्पीड से 5G हमारे इतना नजदीक, मतलब समझो पान की दुकान पे है, मीनाक्षी पान खा के बस आ ही रहा है। रिसेंटली जियो ने दशहरा पे 5G लॉन्च कर दिया है इन 4 सिटीज में, उसी साथ एयरटेल ने भी ऑलमोस्ट 6 सिटीज में 5G लॉन्च कर दिया। जियो के पास 408 मिलियन यूजर्स है, एयरटेल के पास 362 मिलियन यूजर्स है, और भाई उसके साथ साथ बर्नविश के पास 1.78 लाख यूजर्स। How about if we change it to 2 lakh? बहुत जल्द भाई मजा आ जाएगा भाई। रिलायंस जियो ये कंफर्म करता है कि नेक्स्ट ईयर मार्च या फिर अप्रैल तक आपको पूरे इंडिया में 5G देखने को मिल जाएगा, और एयरटेल बोलता है कि 2024 के स्टार्टिंग तक आपको पूरे इंडिया में 5G देखने को मिल जाएगा। बट भाई जियो अपने सीक्रेट स्ट्रेटेजी कर रहा है, ये आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो हम बताते। बेसिकली सीन ये है कि जियो अपने 5G को ट्रू 5G बोल रहा है, बट एयरटेल वोडाफोन कोई नहीं बोल रहे ट्रू 5G। क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्या एयरटेल फॉल्स 5G तो नहीं है भाई? ऐसे कुछ नहीं है, जियो अपने स्टैंड अलोन 5G मॉडल पे काम कर रहा है, और एयरटेल 4G को अपग्रेड करके नॉन स्टैंड अलोन मॉडल पे काम कर रहा है। इसके कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा है, बताता हूँ। स्टैंडअलोन 5G में आपको स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड 1GBPS, और भाई सबसे ज्यादा खुशी तो मेरे को होगी, PS4 में भाई गेम इतनी बड़ी बड़ी होती है, अब मैं 5G से करूंगा बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। काफी ज्यादा सर्विसेस है जो सिर्फ आपको स्टैंडअलोन में ही देखने को मिलेगी, इनको लो लेटेंसी भी देखने को मिलेगी। अब आए थे नॉन स्टैंडअलोन में, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है, उसके साथ साथ इंस्टॉल करने को भी कम टाइम लगता है, बट कंपैरेटिवली स्टैंडअलोन से इसकी स्पीड कम रहेगी। बट स्लोली नॉन स्टैंड अलोन को एट द एंड स्टैंड अलोन में आना ही पड़ेगा उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए, बट जियो ने ज्यादा पैसे लाके भाई पहले से कर लिया 84,000 करोड़। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बट नॉन स्टैंड अलोन का एक फायदा बहुत ज्यादा अच्छा है, कम ऑपरेशनल कॉस्ट, कम इंस्टॉलेशन कॉस्ट की वजह से आपको प्राइस भी कम मिलेगी। भाई मुकेश अंबानी की जियो के पास अकेले के पास 5G स्टैंड अलोन है, बाकी एयरटेल के पास नॉन स्टैंड अलोन, वोडाफोन के पास भी नॉन स्टैंड अलोन, और साथ में BSNL बोल रहा मैं स्टैंड ही नहीं होगा। बट भाई अब आते हैं मनी टॉक्स में, क्या हम लोग भी इसको खरीद पाएंगे इतने कम प्राइसेस पे? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग जियो के पास ही रहेगी 5G की, और भाई एयरटेल बोलता है कि उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 4G के अक्रॉस ही रहेगी। और अगर प्राइसेस की बात करें तो आपको पता होगा जैसे कि 4G लॉन्च हुआ था, फर्स्ट में हमको बहुत ज्यादा फ्री में 4G की सिम ले लो, अनलिमिटेड डेटा, काफी ज्यादा स्लोली उसका प्राइस बढ़ाते गए, और अब ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपए का प्लान हो गया है। भाई वैसे ही सेम जियो 5G के साथ भी करेगा, एक लीक्ड प्लान है जैसे कि 400 रुपए में आपको 30 डेज की वैलिडिटी, उसके साथ साथ अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स। अगर ये लीक रियल हो गई ना भाई मजा आ जाएगा। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, एक सर्टेन लिमिट होगी कि 10GB या फिर 10GB पर डे ऐसे कुछ, बट भाई 1GBPS आएगा, इतना मजा आएगा ना भाई, बस नेटवर्क सब जगह आ जाए। भाई जियो काफी स्पीड से बढ़ रहा है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैं ट्राई करूंगा चांस मिला तो 5G की स्पीड करूँ, और दोनों के कंपैरिजन भी करके आपको बताऊँ। उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है भाई, नीचे कमेंट करना है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो और क्या आप 5G में अपग्रेड करोगे। तो मैं अभी जियो की सिम और एयरटेल की यूज कर रहा हूँ, बट मैं खुद पर्सनली शायद एक 4G की और एक 5G की सिम रखूँ साथ में। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपका ओपिनियन जानने के लिए, और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। BSNL ने अनाउंस कर दिया है कि वो दिवाली पे 4G लॉन्च कर रहा है, हम जीत गए, शाबाश, लगान वाला डायलॉग शिवा।